सब्सक्राइब कीजिए पासी चैंप चैनल को, साथ ही प्रेस कीजिए इस बेल आइकन को लेटेस्ट मेडिकल टॉपिक सबसे पहले देखने के लिए। TLC जिसे टोटल लिकोसाइट काउंट कहते हैं या कई लोग इसे वाइट ब्लड सेल के नाम से भी जानते हैं, तो ये क्या होती हैं और ये क्यों बढ़ती हैं या फिर ये क्यों घटती हैं, इसकी नॉर्मल रेंज क्या होती है और ये इसको देखने के लिए इसका कौन कौन सा टेस्ट होता है, ये सब चीज़ें आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो वेलकम बैक गाइज, मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट सनी कुमार और आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो गाइज, आज डिस्कस करने वाले हैं हम TLC के बारे में और वाइट ब्लड सेल इसे कहते हैं या हिंदी में बताऊं तो इसे श्वेत रक्त कणिकाएं कहते हैं। तो गाइज, इस टॉपिक पर आज हम फुली डिटेल में डिस्कस करेंगे, तो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, लेट्स डाइव इनटू इट। पहले तो मैं आपको बता देता हूं कि TLC होती क्या है, मतलब कि ये जो वाइट ब्लड सेल हैं ये होते क्या हैं। ठीक है गाइज, तो ये जो वाइट ब्लड सेल है ना, इसे हमारे शरीर का आप सैनिक समझ सकते हैं, मतलब कि ये फाइटर सेल होती हैं। ओके, तो जैसे कि कोई भी सैनिक होता है, उसका काम जब भी कोई बाहर से आक्रमण होता है तो जो सैनिक हैं वो फाइट करते हैं, मतलब कि लड़ते हैं। सेम ऐसे ही जो वाइट ब्लड सेल हैं, मतलब कि जो TLC है, ये जब भी हमारे शरीर में कोई भी फॉरेन ऑर्गेनिज्म हमारे शरीर में एंटर होता है, चाहे वो फंगस हो या फिर बैक्टीरिया हो या फिर वायरल इन्फेक्शन हो, तो ये उनसे लड़ती हैं, फाइट करती हैं। तो एक तरह से आप इसे फाइटर सेल कह सकते हैं। अब हमने समझ लिया कि जो वाइट ब्लड सेल हैं वो होते क्या हैं। अब मैं आपको फटाफट इसकी रेंज बता देता हूँ। तो जब भी आप कोई टेस्ट कराएंगे, TLC करवाते हैं या फिर आप CBC कंप्लीट ब्लड काउंट करवाएंगे, तो आपको वहाँ पर जो CBC है उसके अंदर आपको वाइट ब्लड सेल या फिर TLC देखने को मिलता है, या फिर आप सिंपली अगर वाइट ब्लड सेल या TLC को देखना चाहते हैं तो आप TLC की भी रिपोर्ट करा सकते हैं, वरना अगर आप कंप्लीट ब्लड काउंट कराएंगे तो वहाँ पर भी आपको देखने को मिल जाएगा। TLC वहाँ पर लिखा होता है या WBC काउंट्स भी आप चेक कर सकते हैं, दोनों ही सेम है, तो इसलिए आपको पजल होने की ज़रूरत नहीं है। तो ये तो थी इसकी रिपोर्ट की बात, अब बात करते हैं इसकी नॉर्मल रेंज की। तो गाइज, इसकी जो नॉर्मल रेंज है ना, ये 4000 से 11000 के बीच में होती है। अब बात करते हैं कि इसके बढ़ने का और इसके घटने का क्या कारण होता है। तो गाइज, सिंपल सी बात है, देखिए जब भी हमारे शरीर में किसी भी तरह का कोई भी संक्रमण, मतलब कि इन्फेक्शन होगा, तो ये सेल्स एक्टिव होंगे और जो कोई भी वो इन्फेक्शन होगा, ऑर्गेनिज्म होगा, उसको मारने के लिए काफ़ी संख्या में एक्टिव होते हैं। ठीक है, और जब हम उस कंडीशन पर अपनी खून की जांच करवाते हैं तब TLC रेज जाती है, तो उसका मतलब ये है कि जो हमारा इम्यून सिस्टम है उस समय उस इन्फेक्शन से लड़ रहा होता है, इसीलिए इनकी संख्या बढ़ी हुई दिखाई देती है CBC या TLC रिपोर्ट में। ठीक है, तो आपको बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है, आपको ये समझना है कि हमारे शरीर में किसी तरह का कोई इन्फेक्शन हो गया है जिससे हमारा इम्यून सिस्टम लड़ रहा है। अब बात आती है कि ये घटती क्यों है। तो गाइस, सिंपल सी बात है, देखिए जब भी हमारे शरीर में किसी भी तरह का कोई भी इन्फेक्शन आएगा तो हमारा इम्यून सिस्टम उससे लड़ता है, मतलब कि वहाँ पर वाइट ब्लड सेल, मतलब कि TLC जो है, टोटल लिकोसाइट काउंट, या TLC आप कह सकते हैं, वो बढ़ती है, मतलब कि वाइट ब्लड सेल हैं वो जाते हैं वहाँ पर और इन्फेक्शन से लड़ते हैं। अगर हमारे जो वाइट ब्लड सेल हैं उनको मार नहीं पाते और जो वो इन्फेक्शन है, जो ऑर्गेनिज्म है वो ज़्यादा स्ट्रोंग होता है, अगर उनकी संख्या ज़्यादा होती है तो वो क्या करते हैं कि वाइट ब्लड सेल को ही खा जाते हैं, मतलब कि उनको मार देते हैं। और उस समय अगर आप CBC या TLC की रिपोर्ट कराते हैं तो वहाँ पर TLC कम देखने को मिलता है। सेम कंडीशन डेंगू या चिकनगुनिया या जीका, निपा या कोरोना वायरस आजकल चल रहा है, या फिर टाइफाइड फीवर में या मलेरिया में भी कई बार देखने को मिलता है। तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है कि वाइट ब्लड सेल हैं वो कम हो जाते हैं। ओके, तो हमारे शरीर की इम्यूनिटी तो कम होती ही है क्योंकि इन्फेक्शन से लड़ नहीं पाती। तो ऐसे में आपने समझना है कि जो हमारे शरीर के वाइट ब्लड सेल हैं वो लड़ नहीं पा रहे हैं, और उस कंडीशन में आपको कोई ढंग का जो ट्रीटमेंट है वो लेना होता है, या आप इस सिलसिले में अपने डॉक्टर से बात कर सकते हैं। तो दो कंडीशन होती है, घटना या बढ़ने का,
और नॉर्मल रेंज मैंने आपको बता दी है। बात आती है कि जब ये बढ़ जाती हैं तब हमारे शरीर में क्या साइन और सिम्टम्स महसूस होते हैं। तो गाइज यूजली क्या होता है कि नोजिया वोमिटिंग होगा, मतलब कि जी कच्चा होगा, उल्टी आएगी, या फिर बुखार आता है बहुत ज़्यादा, या फिर शरीर दुखता है, बॉडी कैक होता है, हेडेक होता है, और बेचैनी महसूस होती है, घबराहट होती है, और टैकीकार्डिया मतलब कि जो दिल की धड़कन है वो बढ़ जाती है। जब TLC रेज होती है, मतलब कि जो सामान्य से जो इसकी रेंज है 11,000 4,000 से 11,000 की जो रेंज है, अगर 11,000 से ऊपर होता है तो ये सभी साइन और सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। ऐसे ही जब जो TLC है वो 4,000 से नीचे होती है तब भी कुछ साइन और सिम्टम्स देखने को मिलते हैं, जैसे शरीर इन्फेक्शन से लड़ता है तो उस समय भी बॉडी का टेम्परेचर बढ़ता है, नोजिया वोमिटिंग होता है, बॉडी एक होता है, लिथर्जी होती है, मतलब कि शरीर में जान सी नहीं रहती और बिल्कुल शरीर सुस्त हो जाता है, बेचैनी महसूस होती है, घबराहट होती है, टैकीकार्डिया होता है, हाइपोटेंशन हो जाता है कई बारी, तो ऐसी कुछ कॉम्प्लिकेशंस देखने को मिलती है जब आपकी TLC कम हो जाती है। तो आज का हमारा टॉपिक था TLC के ऊपर, और आई होप ये जानकारी आपके लिए काफ़ी यूजफुल होगी। लेकिन फिर भी आपको अगर किसी बात पर डाउट हो तो प्लीज़ हमें कमेंट करें। आशा करता हूँ ये टॉपिक आपके लिए काफ़ी यूजफुल होगा। तो गाइज ऐसी ही यूजफुल वीडियोस और टॉपिक्स के लिए प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर देना ताकि जब भी कोई नई वीडियो हमारे चैनल पर अपलोड हो उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो गाइज मुझे दीजिए इजाजत, मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए स्टे हेल्दी स्टे फिट।